हज़ार तो लैके 5 लाख तक का किराया उन्होंने तो फ्यूचर ही खत्म हो गया। उन्होंने लखा रुपए हो गया, उन्होंने लखा रुपए आपके उत्ते खर्च के खर्च के तैयारी जो प्राप्तियां ने मेरे मैडल ने ट्रॉफियां ने मेरे इंटरनेशनल मैडल ने गोल्ड मैडल ने वर्ल्ड के एशिया का ब्रोंज मैडल इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग का मेरिया वर्ल्ड दियां ट्रॉफियां ने। मैं मास्टर बॉडी बिल्डर अवतार सिंह ललतों उम्र 53 साल अनलॉक 2 विच जिम ना खोलन ते जिम मालक परेशान। प्रशासन तो जिम खोलन दी कर रहे ने मांग। उन्हां दा कहना है कि जिम इम्यूनिटी वधाउंदे हन। सरकार बसां विच 52 सवारियां नूं बैठण दी इजाजत दे दित्ती है पर जिम खोलन दी इजाजत नहीं दित्ती। उन्हां नूं खर्चा पै रहा है। सरकार जां तां कोई राहत देवे जां जिम खोलन दी इजाजत दित्ती जावे। पहली गल तो असी कहने चलो गौरमेंट के रूल फॉलो करने असी तैयार हाँ, लेकिन साड़िया मंगा बैठ के सुनिया जान, सानू बुलाया जाए। जेकर साढ़े नाल नहीं कोई गल करता फिर असी प्रदर्शन करते हैं। जेकर वो प्यार नाल ही मसला हल हो जाए बैठ के साड़िया मंगा सुनो, जिवें बाकी तुसीं सारा कुछ खोलता और साडा भी खुल सकता, असी भी रूल फॉलो करके अपने जिम खोल सकते हैं, लेकिन असी अपना पक्ष तो रखना चाहते हैं ना, साडा पक्ष सुनिया जाना चाहिए। जे गल करिए कैप्टन साहब का बयान आया कि जरा जिम खोलने की इजाजत साढ़े वाल साढ़े वास्ते नहीं हैगी, केंद्र सरकार ही फैसला लेगी, किस तरह तुम किस तरह वे? देखो जी जेकर वो कह रहे हैं असी गौरमेंट के खिलाफ तो चलते नहीं, जेकर वो कहें नहीं इजाजत असी जिन्ना चर कहोंगे उन्ना चर जिम बंद करने तैयार हाँ, पहला भी किए हुए हैं, लेकिन साड़ी रोजी रोटी का भी कोई अरेंज करना चाहिए। सानू साढ़े किराए पै रहे हैं, वो किराए साढ़े एडजस्ट कराए जाए जां साढ़े मालकां नाल गल की जाए, उन्होंने किराए गौरमेंट कोई पैकेज देवे। असी साढ़े कोल तां हुण कुछ देण नूं है नहीं, असी जो सी असी 4 महीने च खा पी गए हाँ ते साढ़े परिवार के भी खर्चे आ और असी रोटी कित्थों खावांगे। साढ़े यही मसले ने, इन्हां कारण ही असी प्रदर्शन कर रहे हाँ कि साड़ी साडा पक्ष सुनिया जाए। सर काफ़ी लंबे समय तो जिम बंद ने, इहदा सर किन्ना कर असर तुहाडे शरीर या तुहाडे निजी लई परिवार ते या निजी तुहाडी लाइफ ते किन्ना कर इहदा असर पै गया? देखो जी जो प्लेयर ने जिहड़े गेम की तैयारी करते सी उन्हां दा तां फ्यूचर ही खत्म हो गया। उन्होंने लखा रुपए आपके उत्ते खर्च के तैयारी की हम कॉम्पीटिशन आने से वो सारा पैसा लग्या बेकार चलिया गया, साढ़े पेट बढ़ने शुरू हो गए और साड़ी मैनू लगता कि साड़ी इम्यूनिटी भी डाउन ना हो जाए क्योंकि वेले बैठे हैं। कुछ पता लग रहा कि भी शायद मुंडे कित गलत साइड नशिया च ना पै जाए, असी उन्होंने बचाना चाहते हैं भी साडा पंजाब नशिया तो बचिया रहे, सानू गवर्नमेंट नू साडा साथ देना चाहिए। अपील की करते अपील यही करते हैं जी साड़ी बैठ के गल सुनी जाए, साडा पक्ष सुनिया जाए, जेकर उन्होंने लगता जायज़ तो साड़िया जायज़ मंगा साड़िया मनिया जान। बाकी भी सोशल डिस्टेंस का तो मसला ही खत्म करता साडे कैप्टन साहब ने, क्योंकि बसों उन्होंने कहता फुल सवारियां जुड़ के बैठो सिर्फ मास्क पाउणा, तो वो मास्क जदों कोई नेड़े लगू साढ़े ज़्यादा मैंबर हो असीं भी मास्क पा लाँगे, जेकर मास्क पा के एक्सरसाइज लगती कोई नहीं क्योंकि सह नहीं आता वो नाल, तो फिर भी असी गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने तैयार हाँ, कोशिश करांगे साडा पक्ष तो सुने सरकार। सर अनलॉक टू दे विच जिम नहीं खुल रहे, सरकार कहती साडे हाथ वाल कुछ नहीं है, सारा सेंटर दे हाथ की कहना चाहिए? सर सत श्री अकाल पहले सारे नूं, तो मैं प्रदीप बप्पू सैकटरी पंजाब जिम वेलफेयर सुसायटी, तो जिवें कल साढ़े गाइडलाइन नवी आई अनलॉक टू नूं लैके भी सारा कुछ खोल दिता गया वा, सिर्फ जिम सिनेमा हॉल तो कुछ गिणवियां चुनवियां चीज़ा जी रखिया ने, तो बड़ी मंदभागी गल है भी ये जिहड़े जिम्स आ उन्होंने इन्होंने एक लैविश कैटागरी के जी नसैसिटी है नसैसिटी चो कढ़ के इन्हें लैविश कैटागरी पाता, तो तुहाडे टीवी माध्यम नाल मैं दसना चाहूँगा भी एक लैविश नहीं है, एक अजकल मतलब एक शौक का जरिया नहीं है, अजकल जरूरत बन चुकी है सब की, क्योंकि खेडा लई ना तो पार्कों बचिया, वर्जिश करन लई ना तो ग्राउंडा बचिया, सो बच्चे जो वर्जिश करेंगे करेंगे तो इम्यून सिस्टम तगड़ा करने लई जिम बहुत जरूरी है। चलो ये तो रह गया एक साइड सिक्के का एक पहलू। दूजा पहलू जी जिम इंडस्ट्री आ, जिवें कैप्टन साहब ने बयान दिता भी 1700 बंदियां ने उन्होंने मैसेज आए भी हाँ जी जिम खोलो जिम खोलो, तो उन्होंने जाके कहता भी जाओ अपना पार्कों के दौड़ लो साइकिल चला लो जां एक अद्धी मशीन चक के उत्ते अपनी वर्जिश कर लो, तो मैं कैप्टन साहब को कहना चाहुंदा सर ये वर्जिश का मुद्दा नहीं रहा, जिम इंडस्ट्री हुण कल्ली वर्जिश तक सीमित नहीं रही, तुहानू जिहड़े मैसेज आए सीगे वो मैसेज जिम मालकां दे जिम ट्रेनरां दे आए सीगे, क्योंकि उन्हां दे ढिड दा मुद्दा बन चुका, उन्हां दी रोजी रोटी का मुद्दा बन चुका वा,
ਵਰਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 1700 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ। 5000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ 80% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ? ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਮ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਜਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ, 1 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਕਰੂ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਿਆਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ, ਫੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਕ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸਵੈਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਵੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਮ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਜਿੰਮ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਿਠਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਸਕਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਓ, ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿਠਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ।